नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत। आप देख रहे हैं चैनल, आप सबका स्वागत है। दोस्तों फिर से एक बार आ चुका हूं नया एक डेली टेक का एपिसोड लेके, ताकि आपको मिल पाए टेक दुनिया के बारे में सारी की सारी जानकारी सबसे पहले। और दोस्तों आज सुबह ही मैंने एक नया वीडियो डाला है, नेटफ्लिक्स को फ्री में कैसे सब्सक्रिप्शन आप जीत सकते हो, उसके बारे में आपको वीडियो ऊपर कार्ड पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर इस वीडियो के आखिर में उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, आप जीत सकते हो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों इसी बात पर शुरू करते हैं आज का डेली टेक का और सीखते हैं कुछ नया। दोस्तों शुरुआत करेंगे इंडिया से और इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के शिपिंग और सेलिंग के ऊपर। जी हाँ, यहाँ पे अभी लेटेस्ट जो न्यूज आ रही है कि क्वार्टर वन जो 2020 का है, जब तक जनवरी फरवरी और मार्च में जो क्वार्टर एंड हुआ है, उसमें वीवो ने कमाल कर दिया है, सैमसंग को फिर से एक बार पीछे छोड़ के इंडिया का दूसरा नंबर पे वो स्मार्टफोन सेलिंग में आ चुका है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे 19.9% मार्केट शेयर लेके यहाँ पे वीवो जो है 6.7 मिलियन यूनिट्स जो है 3 महीने में सेल करके अभी शाओमी के ठीक नीचे वो आ चुके हैं। यहाँ पे शाओमी की बात तो यहाँ पे आपको 30.6% का मार्केट शेयर दिखेगा, लेकिन यहाँ पे क्वार्टर वन जो लास्ट ईयर था वहां पे 31.4% जो है यहाँ पे मार्केट था। तो यहाँ पे थोड़ा डाउन हो गया मार्केट शेयर शाओमी का, लेकिन यहाँ पे वीवो ने कमाल कर दिया, यहाँ पे सीधा सीधा 15 से 19.9 मतलब ऑलमोस्ट 5% का मार्केट कैप्चर और ज्यादा उन्होंने कर दिया है। बात करते हैं बाकी कंपनीज की, तो यहाँ पे सैमसंग ऑलमोस्ट 13.7% मार्केट शेयर लूज करके यहाँ पे 24.4% जो मार्केट शेयर उनका था वहां से लूज करके यहाँ पे 18.9% में मार्केट शेयर आ चुका है और तीसरे नंबर पे खिसक चुके हैं। अब बात करते हैं चार नंबर की, तो रियल में यहाँ पे काफी एक सरप्राइज पैकेज था, 11.7% उनका मार्केट शेयर है, ऑलमोस्ट 200% जंप हुआ है यहाँ पे। और टॉप फाइव को कंप्लीट करता है ओप्पो 10.4% का मार्केट शेयर लेके। तो ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में। आपको क्या लगता है क्वार्टर टू में क्या सिनेरियो होगा, क्योंकि क्वार्टर टू का जो ऑलमोस्ट डेढ़ महीना है वो तो लॉकडाउन में गुजर गया, कोई लॉन्च नहीं हुआ, कोई सेल भी उतना नहीं हो रहा है। बाकी डेढ़ महीने में कौन सा कंपनी मार पाएगा बाजी, आप भी बता सकते हैं नीचे कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ के ऊपर। और दोस्तों प्राइस बाबा की बात करें तो यहाँ पे ओप्पो बहुत जल्द ला सकता है एक और मिड रेंज का फोन, ओप्पो A92। जी हाँ, यहाँ पे ओप्पो A92s कुछ दिन पहले ही जो है अनवेल किया गया था, लेकिन अभी नए एक फोन पे ओप्पो काम कर रहा है, ये प्राइस बाबा के लीक पिक्चर से हम लोगों को पता चल रहा है। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 6.5 इंच का HD प्लस के रेजोल्यूशन, 665 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 4G वाला प्रोसेसर, 8GB का रैम, 128GB का आपको इंटरनल मेमोरी यहाँ पे मिलने वाला है। अब देखते एग्जैक्टली पंच होल डिस्प्ले यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जो है वो मिलेगा, पीछे 48822 का क्वाड कैमरा सेटअप यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है। अब बाकी बात करें तो बाकी चीजें जो यहाँ पे है, एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स आपको यहाँ पे मिलेगा, कलर 7.1 शायद आपको यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स मिल सकता है। अब बात करते हैं स्क्रीन की, तो यहाँ पे डिस्प्ले LCD होगा कि OLED होगा अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि अगर यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है तो शायद ये LCD डिस्प्ले है, अगर नहीं है तो शायद ये OLED डिस्प्ले, क्योंकि जो पिक्चर हम लोगों को मिला है इसमें सामने या पीछे कोई फिंगरप्रिंट का ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, तो इसको देखिए ही लग रहा है शायद ये साइड माउंटेड हो सकता है और LCD डिस्प्ले हो सकता है। फ्यूचर में जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगा मैं अपने सोशल चैनल्स पे ट्विटर इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते अपने न्यूज के ऊपर। और दोस्तों अपना अगला न्यूज आ रहा है सैमसंग की तरफ से, जो प्रोसेसिंग यूनिट है जो प्रोसेसर एक्जिनोस का सैमसंग इन हाउस बनाते हैं, वहां पे शायद अभी रूमर्स ये आ रही है ZNet कोरिया से कि यहाँ पे वो लोग एक्जिनोस 992 के ऊपर काम कर रहे हैं, जो बेस्ड ऑन 6 नैनोमीटर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे बहुत ही पावरफुल जो है एक प्रोसेसर हम लोगों को मिल सकता है देखने में, जो शायद सैमसंग यूज करने वाला है अपने नोट 20 सीरीज में। जी हाँ, यहाँ पे नोट 20 सीरीज इस ईयर के सेकंड हाफ में आने वाला है, वहां पे शायद ये प्रोसेसर यूज हो सकता है। देखते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगा अपने फ्यूचर के। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के ऊपर। दोस्तों अपना अगला न्यूज आ रहा है XDA डेवलपर्स के वेबसाइट से, यहाँ पे Realme का स्मार्ट वॉच के कुछ पिक्चर्स जो है वो शेयर किया गया है XDA के डेवलपर्स के वेबसाइट पे। जैसे वो स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको 320x320 पिक्सल्स का स्क्रीन दिख सकता है, 160mAh का आपको यहाँ पे बैटरी दिख सकता है जो ऑलमोस्ट 7 डेज शायद चलने वाला है, ऐसा कुछ आ रहा है। कुछ कुछ स्पोर्ट्स मोड या फिर कुछ कुछ मोड जो है यहाँ पे दिख रहा है, हार्ट रेट मॉनिटर यहाँ पे हो सकता है हम लोगों का, ये रूमर्स जो है सामने आ रही है, लेकिन अभी डिटेल्स कुछ नहीं सामने आ रही है। जब भी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा डेडिकेटेड मैं एक वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। इसको अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग पड़ रही है, इसके ऊपर मेरे को फॉलो करने के लिए मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के ऊपर।
और दोस्तों आज का आखिरी न्यूज आ रहा है एलजी की तरफ से। जी हाँ, एलजी वेलवेट जो बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, स्पेसिफिक डेट जो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 7 मई को ये लॉन्च होने वाला है साउथ कोरिया में। ऑलरेडी डेट भी अनाउंस कर चुका है एलजी। अब स्पेसिफिकेशन बहुत सारे यहाँ पे सामने आ चुके हैं ऑफिशियली। जी हाँ, यहाँ पे 765G का प्रोसेसर जो है वो आने वाला था फर्स्ट टीजर में, एलजी ने बता दिया। ट्रिपल रियर कैमरा भी यहाँ पे मिलने वाला है, वो भी हम लोगों को पिक्चर्स और वीडियो से पता चल चुका है। अभी कैमरा की बात करते हैं, यहाँ पे 48, 8 और 5 का ट्रिपल रियर कैमरा मिलने वाला है, ये कंफर्म हो चुका है। सामने आपको 16 मेगापिक्सल का जो वाटर ड्रॉप नॉच आपको दिख रहा है वहां पे आपको ये मिलने वाला है। फुल एचडी का ओलेड डिस्प्ले, 128GB का इंटरनल, 8GB का रैम यहाँ पे आपको मिलने वाला है, 4300mAh का बैटरी भी यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी डिटेल्स लेके मैं एक अलग से वीडियो आज ही बनाने वाला हूँ, तो आपको ऊपर कार्ड पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसके बारे में भी वीडियो जो है वो उसका लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपको एलजी वेलवेट में इंटरेस्ट है और आप सोच रहे हो एक पावरफुल एलजी का फोन लेने के लिए, तो आपको वो वीडियो को मेक श्योर कीजिए आप चेकआउट कर ले। चलिए दोस्तों, इसी बात पे खत्म करेंगे आज का डेली टेक का। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, मेरे गिव अवे में पार्टिसिपेट करना मत भूलिएगा, उसके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।